आज आपसे मिले, बड़े दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई और ना ही हमने ब्लॉग बनाया, तो लोग कहेंगे कहाँ गायब है। तो अभी हम जा रहे हैं एक जगह पिकनिक मनाने जिसका नाम है लेक डिस्ट्रिक्ट। पहले भी गए हैं लेकिन ये कि आज जरा बच्चों के साथ जा रहे हैं, बहुत अरसे बाद कहीं जरा पिकनिक मनाने का दिल था कि चलो कहीं निकलते हैं। तो बस मैंने कहा आपको दिखाएं हमने छोटी सी एक ट्रिप आज हमने रेस की। वो भी बड़ा लेट निकले हैं क्योंकि दिल नहीं था, लेकिन फिर अचानक से कहा चलो कहीं ना कहीं तो जाना है, तो बस फिर हम निकल पड़े हैं। तो बस अभी हम थोड़ी देर में तकरीबन 80 माइल रह गया, 20 माइल रह गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अब थोड़ी देर में हम फिर पाए लॉन्ग स्टे अच्छे आप सारा लेक डिस्ट्रिक्ट की तरफ हम जा रहे हैं। बड़ी प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। और आपको पता है यूके में फिर गर्मी है, उनका जो मौसम होता है उसकी तो ग्रीनरी देखने वाली होती है ना, और जबरदस्त है। अच्छा आप अपना भी तो दिखाएं ना, आज खान साहब कैमरा मैनिंग कर रहे हैं। अच्छा नहीं दिखाना चाह रहे, क्यों खान साहब मुझे दिखाएंगे जरा? चले कोई बात नहीं, मेरा व्लॉग लाइक ही नहीं कर रहे, कोई इतने अच्छे कमेंट ही नहीं आ रहे, ना ही कोई व्यूइंग आ रही है, और जिसकी वजह से फिर मेरा दिल नहीं कर रहा व्लॉग बनाने का। लेकिन आज आपको मैंने कहा दिखाएं, बड़ा प्यारा वेदर है और प्यारे वेदर में लेक डिस्ट्रिक्ट जाना और दिखाना तो मैं कहती हूँ जबरदस्त है। तो आप ऐसे ओवरटेक हो रहे हैं, ओ गॉड। तो कल हम गुर की बातें भी नहीं कर सके, कल बल्कि कल भी और आज भी, आज थोड़ा सा दिल सैड था, लेकिन बस क्या करें, पाकिस्तान के हालात आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। रोज न्यूज सुनते हैं, अजीब सा फीलिंग आती है कि पाकिस्तान ऐसे भी हो सकता था, लेकिन चले अब क्या किया जा सकता है, क्या कह सकते हैं, कहेंगे तो फंसेंगे, नहीं कहेंगे वो भी गलत है। तो बस अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात कर ही लें, करनी तो नहीं थी लेकिन चलो मैंने कहा कर ही लें। तो अल्लाह पाक जो है पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, जो हालात चल रहे हैं। आप सब भी नमाज पढ़ें, दुआ करें, और मैं भी जब भी नमाज पढ़ती हूँ या वैसे भी मैं चलते फिरते दुआ करती हूँ अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। भाई हमारी तो शान पाकिस्तान से ही है ना, लेकिन अब पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं तो वो बड़े अजीब ही मिस्ट्री हो गई है पाकिस्तान में ना, अजीब ही सीन है। अल्लाह ताला रहम करे, जो हमारे पीछे सारे रिश्तेदार हैं, अहल वबाब हैं, अल्लाह ताला उन पर सब पे रहम करे, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो ले आपको दिखाते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट का व्यू। अब ये दिखाएं जी, ये हम उतर चुके हैं यहाँ से 60 माइल, फिर आपको वहां जाके सारी डिटेल दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, फिर सब पता।
अब आई हूँ सही शिप यहाँ से चलता है और वहां जाता है जहां से हम आ रहे हैं। क्या है वो वाला शिप? हम शिप के इंतजार में बैठे हैं। मैंने खान साहब को कहा हम उधर ही चलते हैं क्योंकि बाहर रोड भी जाती है, लोग उधर शिप से बैठ के इस साइड पे आते हैं। इधर होटल है, पार्क है, लेक डिस्ट्रिक्ट पार्क है और बड़ा प्यारी जगह है। और मैंने खान साहब को कहा कि नहीं हम ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं लेक के साथ साथ, तो फिर जहाँ जाते हैं आपको दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। हेलो फातिमा जी, अस्सलाम वालेकुम।
मैं कहा क्या हाल है खान साहब, हम वापस जा रहे हैं। मजा आया आपको? खाना कैसा रहा खान जी? अभी किसी जगह पे रोक के आपको टी ब्रेक दिलवाते हैं। हाँ जी ठीक है ना, टी ब्रेक भी बड़ी जरूरी है। ये देखें जी, ब्यूटीफुल रोड स्नेक पाथ बना हुआ है और बहुत प्यारी जगह है। और मेरा दिखाने का मतलब ये होता है कि जब गर्मी होती है ना तो यूके की ग्रीनरी, यूके की रोड्स, बिल्कुल अभी बिल्कुल स्नेक पाथ है और बड़ा मज़ा आता है। ड्राइव है भी बड़ा डेंजरस, ऐसा नहीं है कि नहीं डेंजरस, बहुत डेंजरस है। एक्सपर्ट ड्राइवर चला सकते हैं, वरना जो एक्सपर्ट ना हो वो तो डर डर के चलाए। 50 की स्पीड होती है, ब्रेक आप लगा नहीं सकते, हार्ड शोल्डर भरा नहीं होता यहाँ पे, एक मिनट भी गाड़ी आप पार्क नहीं कर सकते क्योंकि साइडों पे तो जगह नहीं होती, तो इसलिए फिर जो है ना, ये देखें खान जी दिखाएं, वाह ऐसे जो हम्प्स हैं ये बहुत सारे आते हैं और ज़बरदस्त है ड्राइव, मज़ा आता है। जिसको तो ड्राइविंग का शौक हो उसके लिए तो ये बड़ी मज़े की जगह है। और मज़े की बात है हमारे अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी वालदा ने मुझे गाड़ी जब सिखाई थी तो हमारा घर होता था मीनार पाकिस्तान के पास, तो तब वहाँ पे डिज्नीलैंड और ये जो इस तरह के जो अम्यूजमेंट पार्क होते हैं छोटे छोटे बने होते हैं बच्चों के लिए, वो तो होते नहीं थे। जबकि मैं बात कर रही हूँ, वो चंद होते थे वहाँ, मुझे मेरी वालदा ले जाती होती थी और कहती होती थी कि इसको गाड़ी का शौक है भाई, इसको डॉजिम चलवाओ। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने कितनी डॉजिम चलाई है, और गाड़ी भी मुझे डॉजिम कार की तरह लगती है लोगों के लिए पता नहीं गाड़ी क्या है, मुझे नहीं पता। मैं आज भी उसी तरह गाड़ी चलाती हूँ जैसे मैं अपनी डॉजिम कार चलाती होती थी, क्योंकि मैंने बचपन में बड़ी चलाई है। और मेरी वालदा कहती होती थी मेरी एक बेटी है, जो शौक मैं नहीं पूरे कर सकी वो मैं अपनी बेटी को कहूँगी कि वो करे। तो उन्होंने मुझे मतलब कभी ये नहीं है, वैसे तो मतलब पहले इतना कोई रिवाज नहीं होता था पाकिस्तान में, अभी देखिए 40 की यकदम स्पीड आई है, 60 से 50, 50 से 40। अब अगर मैं 40 से अबव जाती हूँ तो यहाँ के वो कैमरे लगे हुए हैं, वो अगर मैंने थोड़ी सी स्पीड एक 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 यानी मिनट भी या एक माइल भी तेज की ना, ये देखे ये कैमरे अब आए हैं, ये इतने खतरनाक आए हैं कि स्पीड में गाड़ी आ रही होती है। ये येलो वाले आप देख रहे होंगे डब्बे डब्बे लगे हुए हैं, ये अभी जमीन पे दिखाइएगा खान जी टेढ़ा करके कैमरे, ये दिखाएं, ये दिखा सकते अगर लाइनें दिखा सकते हैं तो लाइनें दिखाएं। ये अब्बा जी लगे हुए हैं, ये लाइनें हैं, ये मिडल में आप लाइनें देख रहे होंगे, इन पे से इनको स्पीड पता चलती है। और मैंने स्पीड जो है 38 रखी हुई है, और कई दफ़ा जो कैमरे होते हैं वो बहुत दूर तक भी फ्लैश करते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्लैश नहीं करते। अब देखें ना यहाँ 40 है, मैं 40 से एक सुई भी थोड़ी सी भी ऊपर नहीं जा सकती, कैमरा फ्लैश हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ले फिर आपको आगे दिखाता हूं। आपको आइडिया हो गया होगा, बस अब हम घर आ गए हैं तो बस अब शक्ल से पता चल गया होगा कि 12 बजे में लोगों की शक्ल से पता नहीं चलता पर मेरी शक्ल से बहुत जल्दी पता चल जाता है कि बस अब हम थक चुके हैं। सुबह से रूटीन इतनी ज़्यादा हम थी कि सुबह के घर के काम भी करने थे, फिर अचानक प्रोग्राम बन गया क्योंकि धूप बड़ी अच्छी थी, फिर आगे टाइम नहीं होता, बच्चे बिजी हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर उस हिसाब से बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ पे ज़्यादातर जो फैमिलीज़ हैं वो बच्चों के हिसाब से चलते हैं, स्कूल कॉलेजों का ख्याल रखना होता है कि बच्चों के कभी स्कूल खुले हैं बंद हैं, तो वो फिर उस हिसाब से हमें टाइमिंग सेट करनी पड़ती है। आज छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो बच्चों को कहीं घुमा फिरा लाते हैं, तो बस बड़ा इंजॉय किया है, बहुत इंजॉय किया है। और मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करें और व्लॉग को देखें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिसको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे, कोशिश करती हूँ बनाऊँ रोज़, लेकिन कोई ना कोई काम आ जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर बंदा बीच में रह जाता है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल, मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।